पेस्ट्रीज का एक पूरा डिब्बा खाने के बाद भी तुम इतने भूखे कैसे हो सकते हो? ये अच्छा है, हमें पसंद आया। हाँ, मैं भी यही पीती। एक और। हेलो गाइस, तो एक नई थ्योरी आई है इस बात पे कि लोकी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जिंदा है, वो थैनोस या तो नहीं मरा और वो हमें एमसीयू की फ्यूचर मूवीज में जरूर दिखने वाला है। तो पहले भी मैं लोकी की फेक डेथ पे दो वीडियोस बना चुका हूँ जो कि दो डिफरेंट थ्योरीज पे बेस्ड थी और उन दोनों थ्योरीज का डायरेक्ट कनेक्शन है इस वीडियो के साथ। तो अगर आप उन थ्योरीज को डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस, अब जो मैं आपको थ्योरी बताने वाला हूँ वो भी डायरेक्टली आई है एक रेडिट यूजर की तरफ से, जिसमें मेरा भी काफी ज्यादा एड अप होगा। तो थ्योरी का ये कहना है कि इस सीन में जहाँ पे थैनोस लोकी की गर्दन तोड़ने वाला होता है और लोकी कहता है कि यू विल नेवर बी अ गॉड। तो अब अगर हम इस सीन को गौर से देखें तो हमें ये पता चलता है कि इस स्पेसशिप के बाहर से कोई अंदर देख रहा है, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ब्लर है इसलिए कुछ भी क्लियर नहीं है। और अगर हम थोड़ा सा जूम करें इस सीन में तो हम लोग ये बात देख सकते हैं कि जो भी चीज है लोकी के बैकग्राउंड पे वो चीज एक्चुअल में मूव कर रही है लेफ्ट टू राइट हल्का सा। तो क्लियरली कोई नॉन लिविंग चीज तो मूव नहीं करेगी लेफ्ट टू राइट, तो वो लोकी ही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थ्योरी की बात माने तो थ्योरी के मुताबिक ये बंदा लोकी है जो कि बाहर से अपनी ही डेथ को देख रहा है और थैनोस जिसको मार रहा है वो लोकी का अपना प्रोजेक्शन है और लोकी रियल में नहीं मरा बल्कि उसने थैनोस को ऐसा दिखाया कि थैनोस ने उसे मार दिया है, लेकिन असल में लोकी जिंदा है और वो बाहर से अपनी ही डेथ को देख रहा है। तो गाइस, अब यहाँ पे इस बात का प्रूफ एक ये हो सकता है कि लोकी इस सीन में अपना लेफ्ट हैंड यूज कर रहा है लेकिन जबकि वो रियल लाइफ में पूरा राइट हैंडेड है। हमें एमसीयू की आज तक हर मूवी में लोकी हर काम अपने राइट हैंड से करता हुआ दिखाया गया है। ये सीन है थॉर की पहली मूवी से, ये सीन है द एवेंजर्स की पहली मूवी से और ये सीन है थॉर रैग्नारॉक से। तो इन सीन्स में हम लोग क्लियरली ये बात देख सकते हैं कि लोकी हमेशा से ही हमें राइट हैंडेड दिखाया गया है एमसीयू में। लेकिन अगर बात करें थॉर द डार्क वर्ल्ड की और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, तो जिन सीन में लोकी ने अपना प्रोजेक्शन दिखाया है उन सीन में लोकी ने अपना लेफ्ट हैंड यूज किया है। तो ये सीन है थॉर द डार्क वर्ल्ड का लोकी के मरने से पहले का। इस पूरे सीन में आप ये बात देख सकते हैं लोकी ने अपने हाथ में जो चाकू उठाया है वो अपने लेफ्ट हैंड में उठाया है, ना कि राइट हैंड में उठाया है। तो अब अगर बात करें एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की, तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी लोकी ने सेम यही किया। लोकी ने टेसरा क्यूब तक अपने राइट हैंड से दिया उस सीन में, लेकिन जब लोकी दोबारा से एक बार गायब होकर वापस आया तो लोकी ने अपना लेफ्ट हैंड यूज किया थैनोस को मारने के लिए। और यहाँ पे लोकी ये बात जानता था कि अगर वो मिस कर गया तो ऑब्वियसली थैनोस उसको मार देगा। और यहाँ पे हम सब लोग ये बात जानते हैं कि लोकी एमसीयू में कितना ज्यादा चालाक दिखाया गया है हमें थॉर की पहली मूवी से ही। लोकी ने थॉर की पहली मूवी में थॉर को इस बात का यकीन दिला दिया कि ओडिन मर चुके हैं और अब वो किंग बन गया है एसगार्ड का और वो थॉर को दोबारा एसगार्ड वापस नहीं बुला सकता। इसके बाद लोकी ने फ्रॉस्ट जायंट्स के किंग लॉफी को भी बेवकूफ बना दिया। उसने लॉफी को यह कहा कि तुम आके ओडिन को मार दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और जैसे ही लॉफी ओडिन को मारने वाला था लोकी ने उसी को मार दिया। इसके अलावा एवेंजर्स की पहली मूवी में लोकी ने थैनोस को इस बात का यकीन दिला दिया कि वो उसको माइंड स्टोन दे और वो अर्थ पे अटैक करेगा, और यहाँ तक कि लोकी ने सकार पे जाने के बाद ग्रैंड मास्टर से भी दोस्ती कर ली। ग्रैंड मास्टर एक ऐसा बंदा था जो कि सकार पे आने वाले हर इंसान को कैदी बना लेता था और उसको फोर्स करता था कि वो फाइट करे उसके चैंपियन हल्क से। और लोकी यहाँ पे इतना ज्यादा चालाक था कि लोकी ने ग्रैंड मास्टर को भी कन्विंस कर लिया कि वो उसकी हल्क के साथ फाइट ना करवाए और वो आराम सुकून के साथ ग्रैंड मास्टर के साथ बैठ के थॉर और हल्क का मैच देख रहा था। तो इन सब बातों से आपको इस बात का अंदाजा हो ही गया होगा कि लोकी हमें एमसीयू में कितना ज्यादा चालाक दिखाया गया है। तो गाइस, अब इतना ज्यादा चालाक लोकी थैनोस पे ऐसे ही तो अटैक नहीं कर देगा बिना किसी प्रोटेक्शन के, और साथ ही साथ अपने लेफ्ट हैंड से, जबकि वो असली में राइटी है। तो क्लियरली लोकी इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं हो सकता कि वो ये बात जानते हुए कि थैनोस के पास दो इन्फिनिटी स्टोन्स पहले से ही है थैनोस पे अटैक कर दे। तो गाइस, अब यहाँ पे ये बात काफी हद तक प्रूव हो जाती है कि जिसने थैनोस पे अटैक किया वो लोकी नहीं था बल्कि लोकी का प्रोजेक्शन था। तो अब अगर मैं आपको उस लेफ्ट हैंड वाली बात को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूं, तो ऐसा है कि जब हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपनी इमेज उल्टी नजर आती है, मतलब कि हमें अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड नजर आता है और अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड नजर आता है। तो अब हम ये बात एज्यूम कर सकते हैं कि लोकी जब भी अपना प्रोजेक्शन बनाता है तो वो उसका मिरर इमेज बनता है। तो गाइस, अब इस वीडियो के बाद मैंने एटलीस्ट 90% तो ये बात प्रूव कर ही दी है कि लोकी जिंदा है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद भी। और अब क्योंकि थॉर 4 आने वाली है और थॉर 4 में हमें लोकी जरूर नजर आएगा, और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि थॉर 4 कैसे आने वाली है तो इसके बारे में हमने
डिटेल में डिस्कस किया था मेरी एक पुरानी वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन ये था कि थॉर ने पहली बार कैप्टन अमेरिका के साथ मिलने पर क्या कहा। उसका आंसर है थॉर ने कहा तुमने मेरी दाढ़ी कॉपी की है, और इंग्लिश में आई नोटिस यू हैव कॉपीड माय बियर्ड। तो गाइस अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लोकी थॉर से पहले सकार पे कितने टाइम पहले पहुंचा था। मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, और शेयर करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपने दोस्तों को भी ये बात बताएं कि लोकी अभी तक जिंदा है, ना कि वो मर गया है। तो अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय। और हाँ, पेस्ट्रीज का एक पूरा डिब्बा खाने के बाद भी तुम इतने भूखे कैसे हो सकते हो? ये अच्छा है, हमें पसंद आया। हाँ मैं भी यही पीती हूँ। एक और।